और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि अगले 2-3-4 सालों के अंदर हर गांव को शहर बना देंगे। हर गांव को शहर का मतलब समझा है, गांव के अंदर जोड़ की खुदाई इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत कंपनी करेगी और कंपनी के बाहर, उस जोड़ के बाहर चारों तरफ टेंट लगेंगे और उसके अंदर वही व्यभिचार होगा जो होटलों में होता है बड़े शहरों में। गांव में किसी के पास अगर खर्चा देने के लिए पैसा नहीं, बैंकों की किस्तें देने के लिए पैसा नहीं है, तो अपने घर में एक कमरा ओयो का बना सकता है। ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। बीज का अगर अपना साबित नहीं कर पाया कहां से लाया किसान, तो 3 साल की कैद है। ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। पुलिस को और फौज को किराए पे ले सकता है उद्योगपति, ऐसा कानून लेके आ चुकी है सरकार, लेके आ चुकी है, ये आ चुका है कानून। आपको SHO चाहिए तो इतने पीछे लगेंगे, हवलदार चाहिए तो इतने लगेंगे, पुलिस का कर्मचारी चाहिए तो इतने लगेंगे किराए पे। पुलिस वाले उद्योगपति अपनी आर्मी बना सकता है, अपनी पुलिस बना सकता है, ये कानून इस देश में आ चुका है। गाड़ी आपको केवल भारत 6 की ही लेनी पड़ेगी, पुरानी गाड़ियां ये अगले 2-4 साल में बैन हो जाएंगी। कल से डीजल गाड़ियां बैन हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है जी, डीजल की गाड़ी बैन। मतलब हमारा देश हमारे पैसे से मौज करने वाले, और हमको ही कहते हैं कि तुम ये गाड़ी नहीं खरीद सकते, तुम ये गाड़ी इधर नहीं ला सकते, तुम गाड़ी उधर लेकर नहीं जा सकते, तुम बिना मुंह ढके नहीं चल सकते, तुम बिना इंजेक्शन लगवाए नहीं खा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। और गुलामी किसने कहा करे, और गुलामी क्यों आया करे भाई। इसीलिए हमने ये कहा है, एक और बता दूं, आपकी बेटी की शादी की उम्र 21 साल हो चुकी है, पता है आपको, पता है आपने मांगी थी क्या या 21 साल नहीं मांगी थी। इसे कानून में एक और लाइन लिख रखी है, अगर आपने ना बेरा हो तो बता दूं, 16 साल की उम्र में जब लड़की में मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देख करके या लड़का हमारा कोई गलत रास्ते पर जाना चाहे, तो लड़का और लड़की रखेल की तरह कमरे में रह सकते हैं, ये कानून में लिखा हुआ है, मां बाप मना नहीं कर सकते लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे। लिव इन की 16 साल उम्र नहीं थी जी, 18 थी, मतलब 18 साल थी शादी की, 18 साल थी लिव इन की, ब्याह की उम्र कर दी 21 साल और लिव इन की कर दी 16 साल, समझ गए जी। अब आपके गांव में कंपनियां आ ली, आपके डांगर सारे बिकाऊ हो लिए, अनाज सारा जा लिया, जोड़ सारे जा लिए, मैंने तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बच रहा है। अब आपको अपने बच्चों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी, पहले तो नहीं बताओ जी, उठानी पड़ेगी ना। अगर कोई बाहर का आदमी आके न्यू कब है ना, एक बात बस ध्यान देख लियो, बुजुर्गों मेरी बात ना समझ लियो ध्यान से, अगर कोई आदमी बाहर का आके न्यू कब है कि आपके बड़का ने मैं बचाऊंगा, तो न्यू समझ लियो वो कोई चोर है, ठग है, कोई फ्रॉड है, क्योंकि बच्चे आपके हैं, उसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। गुहाने में किस चीज की जरूरत है या बात कोई दुबार ताया मानस कौन बता सकता, वो गुहाने का आदमी बताओगे और गुहाने के सारे मानस बताओगे, इनने कैची है, इनने कैची है, इनने कैची है, इनने कैची है, क्यों जी। हां, समाज में 100 में से 4 लोग गणे तो गणे मनाया, गणे तो गणे कहे हैं, कति हद है या नहीं, तो 100 में तो कोई एक पाया करे, कई बार तो पूरे गांव में 2-4 पाया करे, निकम्मे होंगे, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें दारू चाहिए, उन्हें उल्टे काम करने, उन्हें सत्ता के गलियारों में हाजरी मारनी है, वो मिलेंगे आपको हर गांव में 5-6 गांव ने बस उनकी पहचान करनी है। मीटिंग करोगे आप जैसे ही, इसी मीटिंग कर, मान लो आपके दिमाग में आ गया भाई इस गली के लिए इंतजाम करांगे, मारे छोटे छोटे बालक हैं, एक तो इसमें कोई आशा वर्कर नहीं बढ़ सकती, इस पूरी गाल में बना दो कानून, क्यों जी बना नहीं सकता सारी गाल में लागन है कि इस गाल में आशा वर्कर नहीं बढ़ेगी, मारे बालक है कोई इंजेक्शन नहीं लगता, इस गाल में कोई आंगनबाड़ी वर्कर नहीं चाहिए हमने, हमको अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल को नहीं देंगे, हम मारे में तजुन सा बालक पढ़ा सकता हूं, हम अपने सारे बालक ने मिलकर एक जगह पर हमने जो चाहिए वो तैयार नहीं कर लेंगे, हम
हम नस्तीसी कर रखे किसी की, हम क्यों किसी की गोद भरा जावा खाम खाई। और अगर सरकार हमारे स्कूल जो उसने अपने नाम कर लिए, जो हमारे पुरखों के थे, जो हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी जमीन या पंचायतों ने दान दी थी, वो स्कूल उल्टे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए जी?